नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, पीएम कुसुम योजना के बारे में है। सरकार ने इसे वापस रिव्यू करा है, इसे वापस इसकी स्थिति जानने के लिए यहाँ पर कदम उठाया है। तो क्या कमियाँ रह गई है इस स्कीम में? काफ़ी अच्छी स्कीम थी जब ये आई थी, इसका काफ़ी तारीफ भी गई थी, लेकिन धरातल पे उतनी प्रभावी ये नहीं दिख सकी। उसके पीछे क्या कारण है, क्या कमियाँ हैं और क्या सुधार लाए जा सकते हैं, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा इस आर्टिकल है, ये बात करता है कि आउटर स्पेस में भारत अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसमें बहुत से कदम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट्स की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। देखते हैं आज का एमसीक्यू, वो ये है कि गोराखुटी प्रोजेक्ट जो है निम्न में से किस राज्य से ताल्लुक रखता है। आपको ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है वेस्ट बंगाल, सी है असम या डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पे, वो ये है कि पीएम कुसुम जो योजना है इसका इसमें ये पोटेंशियल है, इसमें यह क्षमता रखता है ये प्रोजेक्ट कि रिन्यूएबल एनर्जी के और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भारत बहुत तेजी से बढ़ सके। तो इसी पर आपको एक टिप्पणी करते हुए 250 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है कि इसमें क्या ये पोटेंशियल है और किस तरीके से हम इस योजना का सहारा लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। ये पीएम कुसुम के बारे में है। पीएम कुसुम अर्थात प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान स्कीम। इस स्कीम के को लॉन्च किया गया था, मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है वो मिनिस्ट्री है पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर रिव्यू किया है इस मिनिस्ट्री ने इसे। इस रिव्यू में ये देखने को आया है कि कौन सी कमियाँ इसमें रही है, कौन सी चुनौतियाँ इस स्कीम को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी अच्छा कदम है, काफ़ी अच्छी सोच के साथ में ये स्कीम आई थी और काफ़ी इसकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन धरातल पर इतनी प्रभावपूर्ण जमीनी स्तर पर ये इतनी प्रभावपूर्ण नहीं दिखी। तो इसके पीछे क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन, जो समय अवधि दी है वो अपने आप में काफ़ी शॉर्ट पीरियड की बात इसमें की गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत चुनौतियों के पहले समझ लेते हैं चुनौतियों से पहले कि ये है क्या पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत क्या था कि सरकार किसानों को इंसेंटिव्स दे रही थी जो कि सोलर पावर पंप्स और प्लांट अपनी खेती वाली जमीन पे अपनी फील्ड में लगा रहे थे। अब फील्ड ओपन होती है, सीधे सूरज की किरणें आती है, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे एक नया नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मिले जिससे एरिया का फायदा हो, हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें, उसके अलावा किसानों की भी कुछ अतिरिक्त आय से होने की बात की गई है। तो एक तो स्वावलंबी बन जाएंगे किसान बिजली के लिए, दूसरा बात ये रहेगी कि जो एक्स्ट्रा बिजली यहाँ पर उत्पाद होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अर्थात डिस्कॉम्स को भी दे सकते हैं। इसके चलते हुए किसानों की एक अतिरिक्त इनकम भी होगी और हमारे देश में जो बिजली का निर्माण है, ऊर्जा का निर्माण है, ये नवीकरणीय ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रपोर्शन है वो भी अपने आप में बढ़ेगा। अब बात ये है कि चुनौतियों पर आते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि कालावधि बहुत कम समय के लिए दी गई जिसके चलते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने इस अल्टरनेटिव ऑप्शन की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किसान भी उतने अच्छे तरीके से अपनी पूरे इस योजना को प्लान नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है कि इसमें टैरिफ और सरचार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओनर्स हैं इनको सोलर प्लांट से बिजली जो उत्पाद होती है इन खेतों से इन किसानों के द्वारा वो काफ़ी महंगी पड़ती है। उसके अलावा लैंड रेगुलेशंस की भी एक महत्वपूर्ण दिक्कत ये है कि जहाँ पे सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा इन जो दफ्तर है दफ्तरों से आपको कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे लैंड रेगुलेशन जो है इनको स्ट्रीमलाइन करने की भी आवश्यकता है। उसके अलावा इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर किसान जो अप्लायंसेस इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे जो अपफ्रंट कॉस्ट देते हैं ये 30-40% तक है जो कि किसानों के लिए व्यय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा निवेश करना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते हुए भी किसानों ने इसमें इतनी दिलचस्पी इस स्कीम में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके अलावा फिफ्थ ये भी है
कि बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिसके चलते हुए यहाँ पर जो किसान हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उनके बीच में मतभेद देखने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर एंगेजमेंट यहाँ पर बनाया जाए, जिसके चलते हुए ऐसी जो एक एनमिटी है इन दोनों वर्गों के बीच में ना देखने को मिले, जिससे ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कीम अगर बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट होती है तो भारत को जरूर अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, इससे भी हमारी निर्भरता खत्म होंगी। चलिए दूसरे और आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल बात करता है कि भारत चाहता है कि अंतरिक्ष जगत में भी, आउटर स्पेस में भी भारत की भूमिका बढ़े। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा वॉशिंगटन हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे भारत आया कि हम आउटर स्पेस में भी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं और इसके लिए हम एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं दूसरे देशों के द्वारा। तो भारत का ये लक्ष्य है कि आउटर स्पेस में जो हमारा बाह्य अंतरिक्ष है, बाह्य जगत है, यहाँ पे भी हमारी भूमिका बढ़े। उससे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की बात की गई है। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है कि अंतरिक्ष जगत में, स्पेस में, आउटर स्पेस में यहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही है, मेन मेड और जो नेचुरल उपकरण है या जो मैन मेड सैटेलाइट्स रहते हैं और जो नेचुरल एस्ट्रॉइड जैसे अलग अलग जो चीज़ें रहती हैं यहाँ पे अंतरिक्ष में, वो किस प्रकार से मूव हो रही है, हमारी धरती को उससे कितना खतरा है, हमारे मानव जीवन को उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों का जो स्टडी होता है ये होता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में। उसके अलावा स्पेस में क्या वेदर चल रहा है, क्योंकि उससे हमारी धरती भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो ये भी इसमें सम्मिलित होता है। अब बात ये है कि इस एक्टिवनेस की क्यों ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से हम देखें कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑन एसएससी इज अ लॉट सिमिलर टू मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, तो जिस प्रकार से मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसी प्रकार से एसएससी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और इसी की महत्व जानते हुए भारत अपनी मूवी का यहाँ पे बढ़ा रहा है। इसके लिए ज़रूरत है कि हम कुछ देशों के साथ में यहाँ पर एंगेजमेंट करें। यूएस के साथ में वैसे ही एक एंगेजमेंट, एक एग्रीमेंट की बात की गई है, जो कि है आर्टिमिस अकॉर्ड, जो कि बात करता है कि किस तरीके से जो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स है, जो ग्रह है, उपग्रह है, इनका अंतरिक्ष में किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी धरती पे, इनका जो स्टडी है उसको देखते हुए एक बायलेटरल एग्रीमेंट पे भारत यूएस के साथ ऑलरेडी वर्क कर रहा है। अगर हम प्रेजेंट प्लान देखें तो स्ट्रेटजिक अलायंस या एग्रीमेंट जो हम विदेशों के साथ करेंगे, उससे भी ज़रूरी एक और बात यह है कि हम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतिगत सुधार लाए, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए, जिसके चलते हुए हम मिलिट्री चैलेंजेस जो कि आउटर स्पेस में है उसे भी चैलेंज कर सके। यूएस और चीन दो ऐसे देश हैं जो कि अपनी आर्मी का बेस जो है वो एक आउटर स्पेस में भी बनाने की पूरी तैयारी में है, कई कदम उठा भी चुके हैं इसके लिए। तो भारत भी एक, अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, अगर हमको इस जगत के साथ कदम करते हुए बराबर कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है, तो हमें मिलिट्री चैलेंजेस को भी यहां पर एड्रेस करना जरूरी है और उस हिसाब से हमारी तैयारियों को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो यहां पर अभी यूएस के अलावा जापान और फ्रांस भी ऐसे दो देश हैं जिससे हम स्पेस सिक्योरिटी से के संबंध में यहां पे बातचीत वार्ता कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ज़रूरत है कि आउटर स्पेस में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो एक अर्जेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे मैरीटाइम एंगेजमेंट के लिए या लॉ ऑफ सीज के लिए हमारे पास में यून क्लॉज है, लेकिन आउटर स्पेस के लिए हमारे पास में कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ कन्वेंशंस है, लेकिन वो इतनी प्रभावी ढंग से नहीं काम कर रही और उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो उस देश के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर भूमिका भारत को अदा करने की ज़रूरत है और कानूनों को और जो एक पब्लिक पॉलिसी है, एक पब्लिक ऑर्डर है, उसे भी स्थापित करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण ये समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए। इसी के साथ हम आज का विश्लेषण ये समाप्त करते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।